ऐसा एक ज्योतिर्लिंग है जिसे एक प्रकार से नारायण ने ही बनाया और स्थापित किया है। एक प्रकार से भगवान राम के रूप में अवतरित होकर महादेव के प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति हेतु। महादेव के प्रति अपनी भक्ति? ये तो मैंने तो सुना था कि तीनों समकक्ष विष्णु की भक्ति महादेव के प्रति। हाँ, क्योंकि महादेव नारायण के आराध्य हैं और नारायण महादेव के आराध्य। ये कैसी अनर्गल बात है ऋषि विप्लाद। विष्णु के लिए स्वयं ऐसी कौन सी आवश्यकता उत्पन्न हो गई कि उसे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी पड़े। लंका नरेश रावण सीता माता का हरण कर चुका था, श्री राम और उनकी सेना का युद्ध रावण और उसकी सेना से आरंभ होने वाला था, और तभी श्री राम की यह इच्छा हुई कि युद्ध से पूर्व वे पूजा करें। महादेव से विमुख होकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। लक्ष्मण, जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। युद्ध के अंतिम चरण में श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न होने लगी कि रावण की हत्या कर कहीं वो ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी न बन जाए और उससे रघुवंश कुल की प्रतिष्ठा में सदैव के लिए कलंक न लग जाए। श्री राम ने लंका प्रस्थान करने से पूर्व महादेव का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन पाने हेतु उनसे प्रार्थना की। श्री राम द्वारा पुकारे जाने पर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम से कहा, राम, जो कर्मठ होता है उसके मन में संकोच का कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे कि रावण का वध कर तुम रामन हत्या के पाप के भागी बन जाओ और इससे रघुवंश कुल की प्रतिष्ठा सदैव के लिए कलंक लग जाएगा, किंतु स्मरण रहे राम, यहां प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं। तुम ये कार्य एक दुष्कृत्य का अंत करने हेतु कर रहे हो। ऐसे कर्म से कुल की सदगति होगी या अधोगति, ये तो केवल एक प्रश्न पर निर्भर करता है कि कर्ता ने इस कार्य को स्वार्थ भाव से किया है या वैराग्य भाव से। श्री राम के मन की शंकाएं दूर हुई। तत्पश्चात ब्रह्मदेव और देवर्षि नारद प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने उस स्थान को रामेश्वर महादेव का नाम दिया। उत्तम, अति उत्तम।